हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 6। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 5 क्लियर किया था, सो लेट्स स्टार्ट। इन फिगर 6.44 द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S। देखो इसमें जो QR है उसको S तक बढ़ाया गया है, जो PQR ट्रायंगल है QR लाइन को S तक बढ़ाया गया है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS मीट एट ए पॉइंट टी। अब देखो कौन कौन से एंगल हैं जिनके जो बाइसेक्टर है वो टी पे मिल रहे हैं। एक तो ये वाला एंगल है PQR और एक एंगल है हमारा PRS। तो इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर हैं QT और RT जो टी पे मिल रहे हैं। देन प्रूव दैट एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स के ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का हाफ है। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ है। तो देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इन दोनों एंगल्स को, इसको एम मान लेंगे, ठीक है, और इसको भी एम, और इन दोनों एंगल्स को एन और एन मान लेंगे। क्योंकि देखो जब भी किसी एंगल का बाइसेक्टर जो होता है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर ये वाला एंगल एम है तो ये भी एम होगा और ये एन है तो ये भी एन होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इसलिए हमने यहाँ एम एम और यहाँ एन एन मान लिया है। अब हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल क्यू टी आर। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर। अगर हम क्यू टी आर को देखें तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कौन सा होगा? ये वाला एंगल टी आर एस। ठीक है स्टूडेंट्स, और टी आर एस क्या है? एम। तो देखो जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब जो एम है वो एक तो एन के और एक इस एंगल के टोटल के इक्वल होगा। ठीक है, आपने वो पढ़ी है ना थ्योरम, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे वही फॉलो होगी। तो क्योंकि आर में हमने ले लिया एंगल एम, वो बराबर होगा सबसे पहले एंगल एन के प्लस एंगल कौन से एंगल के, क्यू टी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, और रीजन क्या होगा? एन एक्सटीरियर एंगल यानी एक बाहर वाला जो एंगल होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है यानी इसके और इसके इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्यू टी आर को हमने अलग करना है, सेपरेट करना है, क्योंकि हमें प्रूव यही करना है। तो हम क्या करेंगे, एन को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचा एंगल क्यू टी आर यानी एंगल एम माइनस एंगल एन इज इक्वल टू क्यू टी आर। ये इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हमने एंगल ट्रायंगल क्यू टी आर भी किया वैसे हम पी क्यू आर लेंगे ट्रायंगल। तो हम सेकंड ले रहे हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, पहले हमने क्यू टी आर लिया। अगर हम पी क्यू आर को देखें तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये पूरा माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे है ना पी क्यू आर, इसकी लाइन जो है यहाँ पे फिनिश हो रही है। ठीक है, तो टू एंगल एम हो गया स्टूडेंट्स, जो एक्सटीरियर एंगल है वो इसके इसके इक्वल होगा। एक तो टू एंगल एम के इस पूरे के, ठीक है, प्लस इस एंगल की यानी क्यू पी आर की, एंगल क्यू पी आर, और इसका रीजन भी ये सेम ही हो जाएगा, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब देखो इसमें भी हमें ये जो है सेपरेट करना है, क्योंकि हमें प्रूव करना है, इसलिए हम सेपरेट कर देंगे। इधर माइनस हो जाएगा ये टू एंगल एन इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। अब टू यहाँ कॉमन जो है ले लेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कॉमन ले लिया टू। अब देखो फर्स्ट में हमने क्या प्रूव किया था, एंगल एम माइनस एन किसके बराबर है, क्यू टी आर की। अगर हम इसकी जगह क्यू टी आर लिख दें तो गलत नहीं होगा, तो हम लिखेंगे टू एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये टू जो है वो उधर चला जाएगा। ठीक है, राइट साइड जो है वो ले जाएंगे हम इसको, तो टू का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये डिवाइड हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ जाएगा अंदर क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, और ये हमें प्रूव करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हैंस प्रूव, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ओके थैंक यू।